कार्तिक आर्यन को दोस्ताना टू से हटाने के बाद करण जौहर किसी आउटसाइडर को ही लेना चाहते हैं दोस्ताना टू में, और उसकी वजह है नेपोटिज्म। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल करण जौहर जो है वो काफी ज्यादा जो है टारगेट पर आ चुके हैं नेपोटिज्म का डिबेट जब भी हीटअप होता है, और उसकी वजह ये है कि करण जौहर हैज ऑलवेज बीन रियली एक्टिवली प्रमोटिंग एंड लॉन्चिंग स्टार किड्स, एक्सेप्ट फॉर एनीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड, या फिर कोई आउटसाइड वर्ल्ड का स्टार हो उसको लॉन्च करना या उसको कोई अच्छी मूवी देना करण जौहर के जो है शौक में शामिल नहीं है। ऐसे में कार्तिक आर्यन को दोस्ताना टू से निकालने के बाद करण जौहर की एक बार फिर से सभी जगह थू थू होने लगी, बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगने लगे। कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में काफी ज्यादा लोग आकर खड़े हो गए और करण जौहर को नेपोटिज्म का टारगेट एक बार फिर से बनाया गया। ऐसे में करण जौहर इस डिबेट से बचने के लिए जो है किसी आउटसाइडर को ही लेना चाहते हैं दोस्ताना टू में। वो ये समझते हैं कि अगर किसी आउटसाइडर को किसी आउटसाइडर से ही रिप्लेस करेंगे तो जिस तरह का डिबेट या जिस तरह का क्योस अभी हो रहा है सोशल मीडिया पर दोस्ताना टू को लेकर, वो शायद थम जाएगा। इससे पहले अक्षय कुमार के रिप्लेसमेंट की बातें हो रही थी, दैट ही विल बी रिप्लेसिंग कार्तिक आर्यन इन दोस्ताना टू, लेकिन अब ये खबरें भी झूठी साबित होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर करण जौहर की तरफ के से ये टेक क्लियर है, उनके इनसाइड सोर्स ने रिवील किया है दैट ही इज विलिंग टू टेक सम आउटसाइडर टू क्रश द नेपोटिज्म डिबेट, क्योंकि इस नेपोटिज्म डिबेट का कितना बुरा खामियाजा भुगत सकते हैं करण ये उनको पता है। उनकी मूवी भी फ्लॉप जा सकती है जिसमें वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं सब जुड़े रही, और भी खबरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।